साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। यूपी में 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो गया है। इस इन्वेस्टर समिट में 32,92,000 करोड़ के 18,643 एमओयू साइन किए गए हैं। आपको बता दें कि इस समिट में 13 देशों के उद्योगपति शामिल हुए हैं। इस समिट में आने वाले मेहमान लखनऊ के तमाम ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू हो। इसी कड़ी में हमारी संवाददाता लखनऊ में सुहानी ने इमामबाड़ा पर आए कुछ मेहमानों से बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में कल यानी 10 तारीख से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो गया है। इसका आगाज जो प्रधानमंत्री खुद इसका आगाज किए और वही योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में करते हुए उन्होंने कहा कि 32 लाख करोड़ का जो एमयू साइन हुआ है। आपको बता दें कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 13 देशों के उद्योगपति शामिल हुए हैं, साथ ही इसमें 300 से अधिक कंपनियां भी अपना योगदान दे रही है। इसमें आने वाले जो मेहमान हैं वो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है उसके ऐतिहासिक धरोहर, जो यहाँ पे इमारतें जो बनी हैं, यहाँ पे जो उनकी धरोहर है उससे रूबरू हो रहे हैं और उसको उनकी खूबसूरत चीज़ों को देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहर इमामबाड़ा, जहाँ पे हम भूल भुलैया गेट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसे सजाया गया है और यहाँ पे जो निवेशक हैं वो आ रहे हैं, यहाँ के जो मेहमान हैं वो भी आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती को देख रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सजाया गया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मौजूद जो जनता है वो क्या कहना चाह रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में। ये जानते हैं जो यहाँ पर कुछ मेहमान हैं उनसे बात करते हैं जो आए हैं यहाँ पे, जो भूल भुलैया के जो मेहमान हैं जो खास तौर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आए हैं, वो जो लखनऊ के धरोहर को देख रहे हैं, उसके सुंदरता से रूबरू हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो भूल भुलैया के गेट है, जो कि कुछ दिनों से जो उनकी एक ऐतिहासिक एक थी, वो चीज़ों किस तरह से संवारा गया है, जो आप इसकी सुंदरता को देख सकते हैं और इन्हीं सुंदरता को और यही ऐतिहासिक जो धरोहर है उसको देखते हुए यहाँ के जो तमाम जो निवेशक है, जो मेहमान है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए हैं, वो इसके सुंदरता से रूबरू हो रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ, एक्सक्यूज मी मैम, आप अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? एक्सेप्ट आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, but there's a lot of inconvenience which is happening to the natives of Lucknow. There's a lot of traffic diversions and things, but I'm happy that Lucknow becomes a hub of such things, which means India as a country is growing. I'm really happy about it, all thanks to BJP government, Yogi Adityanath, and I'm grateful to the government that they have brought up such ventures in Lucknow. Thank you so much. jo ek jo aaye hain mehman, unka saaf taur pe yahi kehna hai ki hum bahut khush hain ki hum BJP sarkar ko thank you bolna chahte hain। कुछ कमियां हैं लेकिन उनका साफ तौर पे ही कहना है कि बहुत थैंकफुल हैं हम लोग कि वो इस कार्यक्रम को हमारे लखनऊ में करा रहे हैं और इससे रोज़गार में बढ़ावा मिलेगा, तमाम सेक्टरों में बढ़ावा मिलेगा। तो आइए जानते हैं जो यहाँ के जो और भी जो मेहमान हैं उनसे बात करते हैं कि वो आखिर क्या कहना चाह रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, उनसे बात करेंगे अभी। मैम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, सर आप कुछ बताना चाहेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं कि वो योगी जी का कहना है कि इसमें रोज़गार में बढ़ावा, 23 लाख का जो एमयू साइन हुआ है, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? मैम, किया तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सबको और फ़ायदा होगा सबको उसमें से, और रोज़गार तो बढ़ेगा ही जब आए हैं तो, और काफ़ी विकास हुआ तो रोज़गार तो है यहाँ पे जी। तो विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ वादे करते हैं, अपने वादे को निभाते नहीं हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि योगी जो बोले हैं 32 लाख करोड़ का एमयू किया, ये झूठे वादे हैं? ये भी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मींस मैम कि अगर लोगों को लगता है, विपक्ष का तो बोलना काम है, अगर वो दूसरों की बातों को काटेंगे नहीं तो विपक्ष किस बात के, और जो कर रहे हैं वो दिख रहा है, तो हमें लिटरली सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, आपको सेटिस्फेक्शन है इस चीज़ का कि योगी जी जो कहा है रोजगार में, और ये इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है वो सक्सेसफुल हमारे मतलब जो युवाओं के लिए हो सकता है? ऑब्वियस मैम, ये वन टाइम का नहीं है, ये लॉन्ग टाइम व्यूज़ हैं, जो समय आने दीजिए, समय तब लोगों को समझ आएगा। आज के आज हम अगर हम कह देते कि हाँ दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी स्कीम बनाते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है।
तो और भी यहाँ पे युवा हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हो रहा है कल से शुरू हो गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहूँ, अभी युवाओं के लिए ही तो ज़्यादातर इस पे ध्यान दिया गया है कि रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, तो कुछ तो करने चाहिएंगे क्या? ये योगी जी का जो एक कदम है अलग, वो आपको कैसा लग रहा है? जी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है, मे बी देखिए आगे क्या होता है। तो आपने देखा यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो थिंकिंग है लेके आ रही युवाओं के लिए, और वो कहीं ना कहीं सही साबित भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कल से स्टार्ट हो गया है, 3 दिन का है ये, तो योगी जी का साफ तौर पर कहना है कि रोजगार में बढ़ावा मिलेगा, तो आप इस पर क्या सोच रहे हैं? जी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है यूपी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा, क्योंकि स्किल्ड इंडिया जो है ना वो सबसे बड़ा एक बहुत एडवांटेज होएगा हमारे यूथ को आगे बढ़ने के लिए, जितनी स्किलफुल होगी उतना होगा। और ये G20 समिट जो है अलग अलग कंट्रीज से जब आएंगे स्किल्स अपहेल करने का मौका मिलेगा, तो ये बहुत हेल्प करेगा आगे युवाओं के लिए। इसमें कुछ सही साबित होगा? हाँ इसमें सही साबित तो होगा। एक्चुअली कैसा है कि G20 समिट में एक्चुअली स्किल के बारे में बात होने वाली है मेनली, और क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे एंड फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जो मोदी जी सोच रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके रिगार्डिंग जो उनके प्लान्स हैं, तो वो इसकी रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे अपने इन्वेस्टर्स से, और जिसके हेल्प से जो भी इंडिया का ग्रोथ हो सकता है और यूथ पॉपुलेशन को हेल्प मिल सकती है रिगार्डिंग द स्किल्स दे आर हैविंग, तो उसमें उनको जरूर मदद मिलेगी। तो आपको ये लग रहा है कि जैसे बेरोजगारी बढ़ रही थी, सब आप ही लोग का मांग था कि उत्तर प्रदेश में हो चाहे पूरे भारत में बेरोजगारी का चरम सीमा पे है, तो ये इन्वेस्टर समिट से कुछ तहत तक कम हो सकता है? हाँ बिल्कुल कम हो सकता है, क्योंकि जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से डिफरेंट स्किल्स डेवलप कर लिए हैं यूथ ने, तो अपना स्किल्स का जो जोहर दिखाना चाहेंगे, तो ये सब इन्वेस्टर्स जब आएंगे या जो भी कंपनीज आएंगी तो उसमें उनको हेल्प भी मिलेगी, और जो अपना स्किल्स अगर वहाँ लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया के पास स्किल पड़ा है लेकिन जो यहाँ यूज़ नहीं हो पा रहा, तो मोदी जी वो स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होता है। योगी जी का मेन मोटिव आपको क्या कहना है? देखिए मेन बात यह है, अगर कागजों पर हो तो बात अलग, अगर ज़मीन पर रोजगार मिलता है तो ज़मीन पर मिलना चाहिए, कागजों पर तो सबको मिल रहा है, मगर यहाँ कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो ये तो नहीं। कम से कम इस समिट की वजह से 500-600 ठेले वाले जो रोज डेली कमाते थे और अपना पेट चलवाते थे उनके रोजी बंद है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कदम नया उठाया वो सही नहीं है? कदम सही है, रोजगार मिलना चाहिए, सब कुछ है, मगर कुछ जो गरीब आदमी रोज डेली कमा रहा है उसके लिए भी तो कुछ निकालना चाहिए। तो आपने देखा इमामबाड़ा जो आए हैं यहाँ पे जो मेहमान जो इसके धरोहर को से रूबरू हो रहे हैं, इसकी सुंदरता को निहार रहे हैं, उनका एक अलग ही इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर पर्पस बना हुआ है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है उसे कुछ हद तक तो युवाओं को उनके जो रोजगार है उसमें कुछ सहायता मिल सकता है, और कुछ हद तक सरकार का भी इसमें प्रॉफिट हो सकता है। वहीं पे तमाम जो यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो मेहमान आए हैं, जो पर्यटक आए हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक उत्तर प्रदेश के लिए एक सही साबित हो सकता है, क्योंकि जो योगी सरकार है वो एक नई कदम युवाओं के लिए या हर सेक्टर के लिए उठा रहे हैं। तो देखते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से प्रभाव पड़ता है और किस तरह से जो उत्तर प्रदेश है एक नए एक रूप में उभर के आता है। कैमरामैन सुधीर के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर लखनऊ पूरी तरीके से तैयार है। 3 दिन तक चलने वाले इन्वेस्टर समिट में कई देशों के डेलीगेशन ने शिरकत की। ऐसे में निवेशक लखनऊ की प्रसिद्ध स्थानों का भी रुख करेंगे और लखनऊ की जुबां, जायका, धरोहर, पार्कों से परिचित भी होंगे। इस मुद्दे पर प्राइम टीवी की टीम ने प्रसिद्ध रूमी गेट का रुख किया और वहाँ से उपस्थित लोगों से इस पर चर्चा भी की। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कल से शुरू हो चुका है और तमाम देश विदेश से निवेशक जो हैं इस समिट में हिस्सा लेने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निवेश की बात कर रहे हैं। इस समय हम रूमी गेट पर खड़े हुए हैं। इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1783 और 86 के बीच में बनाया था, जिसके निर्माण में 2 साल लगे थे। उस समय अवध में अकाल पड़ा हुआ था और इसका निर्माण अकाल पीड़ितों को 2 जून की रोटी के लिए किया गया था, ताकि जो अकाल पीड़ित हैं उनको रोजगार मिल सके और 2 वक्त की रोटी वो कमा सके। जो देश और विदेश के जो निवेशक हैं, जो मेहमान हैं, वो लखनऊ की प्राचीन इमारतों, धरोहरों और पर्यटन स्थल का भी जायजा लेंगे, यहाँ पे घूमेंगे और लखनऊ की संस्कृति, सभ्यता और धरोहर से रूबरू होंगे। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है।
यहाँ की जुबान और स्वाद दोनों ही काफ़ी मीठे हैं, इसलिए यहाँ पे जो निवेशक आएंगे वो इन सभी धरोहरों को, प्राचीन स्थलों को, बड़े पार्कों को यहाँ पे वो सैर करेंगे, घूमेंगे और लखनऊ की विरासत से वो रूबरू होंगे, परिचित होंगे। आज हम यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उनका जो है कितनी प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिक्रिया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में वो क्या जानते हैं, और इस जो प्राचीन धरोहर लखनऊ की उनके बारे में वो क्या जानते हैं। इस समय हमारे पास जो है कुछ टूरिस्ट भाई हैं जो अलग अलग जगहों पर यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल आप यहाँ मतलब घूमने आए हैं? हाँ, घूमने के लिए आए। तो उत्तर प्रदेश में जो है यूपी में इसके पहले भी आपका आगमन हो चुका है क्या? यहाँ घूम चुके हैं इसके पहले? आ चुके हैं आप? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी नहीं। हाँ, पहली बार है। कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? हाँ, अच्छा है ना, अगर माहौल है अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अभी यूपी में इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हाँ, तो क्या आपको उसके बारे में पता है? उत्तर प्रदेश में जब आए होंगे आप, लखनऊ आए होंगे, तो लखनऊ को चमकता हुआ देखा होगा आपने। आपको पता है क्यों? नहीं पता है ना मुझे। नहीं नहीं, लखनऊ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, सुंदर है ना इधर। सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो नेपाल से जो टूरिस्ट आए हैं वे लखनऊ को सजा हुआ देखकर काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के लिए लखनऊ को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। आज दूसरा दिन है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, इसके बाद G20 अभी लखनऊ में आयोजन होना है। और जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, तमाम जो लोग टूरिस्ट इस प्राचीन धरोहरों को देखने आ रहे हैं, लखनऊ को बदला हुआ देखकर काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया। इस समय हम लखनऊ के रूमी दरवाजे के आगे इमामबाड़ा के सामने कुछ तांगे वाले लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे कि कैसा जो है उनकी समझ कैसी है G20 को लेकर, GIS को लेकर, तमाम तरह की चीज़ों के लेकर। क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल वाहिद। आपने देखा होगा कि लखनऊ को सजाया जा रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। जी, बहुत हमको भी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है कि ऐसी सरकार आई है तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं, अपने हम लोग के लिए भी कर रही हैं और कर रही जनता के भी लिए, और लखनऊ का सुंदर कलन बनाना चाह रही हैं, बहुत ऐतिहासिक चीज है। अच्छा, लखनऊ को क्यों सजाया जा रहा है पता है? लखनऊ की पुरानी सवारी है और इमाम बाला राजा महाराजा का है, एक इतिहास जगाया जा रहा है कि फिर से जग जाए इतिहास। नहीं, सजाया क्यों जा रहा है, आखिर क्या आयोजन हो रहा है? सजाया जा रहा है, जैसे विदेशी आ रहे हैं टूरिस्ट, उनके लिए दिखाया भी जा रहा है कि लखनऊ मेरा बहुत सुंदर कलन है, इस मारे सजाया जा रहा। अच्छा। और पुरानी परंपरा जगाई जा रही है बेटा। अच्छा, आपको पता है कि ये विदेशी टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? ये पुरानी विदेशी क्यों आ रहे हैं कि यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें हैं नवाबों की, मुगलों की, इसके लिए सजाया जा रहा है कि आज भी ये परंपरा जगी हुई है। अच्छा, ये बताइए, लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कल से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ आए थे, इसके बाद G20 का आयोजन होगा, कल राष्ट्रपति लखनऊ आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहे साहब। और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उत्तर प्रदेश में अब अपना निवेश करेंगे, यहाँ सरकार कह रही है कि लाखों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ये बिल्कुल मिलेगा, बेशक मिलेगा, इसीलिए यह भारत की सरकार ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोग गरीबों के लिए कर रही है कि रोजी रोटी से सब लग जाएंगे, अच्छी बात है बहुत। और मोदी जी जो कर रहे हैं तो सबके भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, जनता का सहयोग कर रहे हैं मोदी जी ने। लेकिन विपक्ष लगातार कहता है कि भारत में बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी भविष्य में बहुत अच्छा कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए कर रहे हैं और जो महंगाई है इसी के लिए कर रहे हैं। जब हमको रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, तो चाहे जितनी महंगाई हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब हम लगेंगे नहीं काम में तो हमको 100 रुपये का आटा लेना मुश्किल हो जाएगा। ये तो भविष्य अच्छा हो रहा है, ये हमको पसंद आई बात। अच्छा, काफ़ी दिनों से इमामबाड़ा हो या फिर यहाँ के आसपास की जगह है उसको और भी सुंदर बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, सुव्यवस्थित किया जा रहा है, तो लखनऊ वासियों के लिए ये कैसा है कि इसके पहले भी आपने इमामबाड़ा देखा होगा और अब भी आप इमामबाड़ा देख रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? ये हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अब फिर से परंपरा जग गई, सो रही थी, तो ऐतिहासिक चीज जो मोदी जी बना रहे हैं तो विदेशी को भी दिखाएंगे और लखनऊ वालों को, भारत को भी दिखाएंगे कि इतिहास क्या चीज़ है, ये हमको पसंद आया बेटा। अच्छा अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ बदल रहा है, उसको सजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह लखनऊ सजा दिख रहा है, चाहे पुराना लखनऊ हो चाहे नया लखनऊ हो, कैसा लग रहा है? इतिहास है, ये नहीं बोल रहा। अच्छा, हम बोलेंगे बेटा जो बोल। अच्छा, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये सुंदर कलन जो हो रहा है ये मोदी जी की देन है, वो अच्छी भविष्य कर रहे हैं, और महंगाई है, जब जब रोजगारी है
तो महंगाई खल नहीं आदमी को, और जब रोजगार मिलेगा तो महंगाई कोई नहीं खलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कैसे लगते हैं आप? ये हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिंदगी भर राशन बांटते चला है। जब से मुख्यमंत्री में कोई मुख्यमंत्री राशन बांटा नहीं, जितना इन्होंने बांट दिया है महंगाई है, मगर आटा गेहूँ चावल तेल चना बांट रहे हैं, तो ये कुछ तो हम लोग की बचत हो जाती है बेटा, बात तो ये भी है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ के तांगे वाले चाचा ने बताया कि इन्वेस्टर समिट और G20 के आयोजन से लखनऊ वासियों में उत्साह है, और जिस तरीके से ये निवेशक यहाँ पे निवेश कर रहे हैं उससे रोजगार मिलेगा, और इससे जो लखनऊ के लोग हैं और जिस प्रकार से लखनऊ को सजाया संवारा गया उससे लखनऊ के लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं जो विपक्ष महंगाई और रोजगार की बात करता था, तो एक आम पब्लिक आम जनता जो निचले तबके की जनता है वो राशन पाके खुश है, और ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से ये राशन बांटे गए हैं उसके लिए जनता जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया सरकार के लिए दे रही है। अब आगे हम और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानेंगे कि क्या है, कैसी प्रतिक्रिया उनकी, क्या ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो हो रहा है उससे वो अपनी कितने हद तक उनकी समझ वहाँ तक है, और लखनऊ में जो माहौल चल रहा है उसको लेकर वो क्या कहते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीर अहमद है। सर लखनऊ को सजाया जा रहा है, कल से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है, पूरा लखनऊ जो है दुल्हन की तरह सजा हुआ है, कैसा फील है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी सफाई, इतना अच्छा नीट एंड क्लीन बनाया दिया लखनऊ को, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो चुकी, तमाम बड़े विदेशी निवेशक आए, तमाम देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए और उत्तर प्रदेश में निवेश की बात कर रहे हैं, लाखों लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं, 32-33 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना जो साकार हो पाएगा सरकार का ये लक्ष्य? सर करनी और कथनी में फर्क होता है, अगर ये कह रहे हैं और वो कर दें तो मज़ा आ जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है सर। कि इतना पैसा, इतने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो अगर ये आपको ये सब इतना ऑफर कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, हम लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए सब सही कराया गया है, ये जब ख़त्म हो जाएगा फिर इसके बाद देखिएगा आप, एक बार फिर से सर्वे कीजिएगा कि क्या हाल है इसका, ये तो लोगों को लुभाने के लिए सब किया जा रहा है। अच्छा, सरकार लगातार जो है रोजगार को फोकस कर रही है, उसको लगातार जो है कई डेवलपमेंट स्किल चलाए जा रहे हैं, तमाम जो निवेशक हैं वो आके कह रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी ने कल कहा कि 1 लाख लोगों को रोजगार जो है उनकी जियो कंपनी की वजह से मिलेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। क्या कुछ कहना है कि क्या रोजगार की कमी तो कहीं ना कहीं दिखती है, लेकिन कितनी पूरी हो पाएगी इस इन्वेस्टर समिट से? देखिए सर, रोजगार की यहाँ पर समस्या हमेशा से रही है, और लखनऊ में से ज़्यादा बेकारी कहीं मिलेगी नहीं आपको, यहाँ पे ज़्यादातर लोग आप बेकारी मिलेगी। अगर इनको नौकरी मिल जाती है इनकी वजह से तो समझ लिए कि बहुत बढ़िया हो जाएगा, गोल्डन चांस है। वैसे मुझे उम्मीद कम दिखती है, क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, होता कुछ है हो जाता कुछ है सर, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं सर। तो इस प्रकार से जो आम जनता है अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितना रोजगार मिलेगा। अब हम दूसरे लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि किस प्रकार से वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं। अब हम कुछ और भी लोगों से प्रतिक्रिया जानेंगे कि लखनऊ कैसा लग रहा है उन्हें, ये बदला हुआ लखनऊ कैसा उन्हें लग रहा है, और इन्वेस्टर समिट पे उनकी राय क्या है, उनके विचार क्या है। क्या नाम है आपका? हमारा जयशंकर नाम है। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से। कानपुर से आए हैं, इसके पहले भी आप लखनऊ आते जाते रहे होंगे? जी जी। जब आप इसके पहले लखनऊ आए थे और अब लखनऊ आए, तो लखनऊ में कुछ चेंजेस आपको दिखे हैं? दिखा हमको चेंजेस। क्या क्या चेंजेस है? यही चेंजेस है कि जो है कर्मचारी पुलिस वाले जो ये भी लोग अच्छे हो गए हैं, और जो सफाई भी अच्छी यहाँ पे है, और स्वच्छ हो गया है लखनऊ भी, और यही सब है सर। अच्छा, आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो चुका है कल से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। सरकार इसके माध्यम से निवेश लाना चाहती है और लाखों बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, आपका क्या विचार है? तो ये अच्छा कर रही सरकार, अगर बेरोजगारों को रोजगार दे रही तो अच्छा कर रही, हम इससे खुश हैं और जो है अच्छा भी लग रहा है। तो आपको लगता है कि रोजगार मिलेगा? लगता तो है सर, लेकिन अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा संशय है। हाँ, थोड़ा सा है। और G20 का भी आयोजन होने वाला है। अच्छा,
तो इसके बारे में पता था आपको G20 का आयोजन हो रहा? सर इसके बारे में तो नहीं मालूम। अच्छा, ये पता था कि यहाँ पे इन्वेस्टर समिट है, लोग आके बड़े बिजनेसमैन आके यहाँ पे निवेश करेंगे, रोजगार पैदा, इसके बारे में पता था? हाँ ये पता था सर। लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है, आपने लखनऊ घुमा होगा? हाँ घुमा है। कैसा लगा, किस तरीके की अब जो है लखनऊ की, अब लखनऊ लग रहा है और पहले भी आप लखनऊ घूम चुके हैं, क्या क्या बदलाव है आपको और दिखे हैं, सफाई और प्रशासन के अलर्ट के अलावा और क्या क्या बदलाव आपको दिखे? और भी बदलाव है सर, बहुत बदलाव हो गया है। क्या क्या बताएं सर, बहुत बदलाव हो गया है लखनऊ में, पहले से बहुत बदलाव है, अच्छा भी लगता है, अब लखनऊ देखने में भी अच्छा लगता है। तो मतलब मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है वो चीज़ें हो रही हैं? हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, हो रही हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अगल बगल जिलों से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इस इन्वेस्टर समिट और लखनऊ के बदलाव पर रखी है। तो ये थी इन्वेस्टर समिट को लेकर आम जनता की प्रतिक्रिया। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।